खबर गाजीपुर से, जहां पर पुलिस ने चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों को सदर कोतवाली क्षेत्र के चौकिया तिराए से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाशों से एक तमंचा, दो कारतूस, दो बाइक बरामद की गई है। बदमाशों के पास से लूट के 9 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए बदमाश राहगीरों से मोबाइल नकदी लूट की वारदात को अंजाम देते थे। तो गाजीपुर से खबर, पुलिस ने चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 18/19/9/24 के कोतवाली में बकुलिया कोल्ड स्टोरेज के पास से दो व्यक्ति शिवकुमार यादव और मनीष यादव, जो उनका चचेरा भाई है, ये मोटरसाइकिल से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आ रहे थे। उनको दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार व्यक्तियों ने रोका और उनके पास है, दोनों लोगों के पास एक एक मोबाइल और नकदी लगभग 4000 रुपये उन्होंने लूट लिए थे, जिसके लिए जिसका संबंध में थाना कोतवाली में 309 BNS के मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम के दौरान में सर्विलांस और CCTV फुटेज की मदद से चार लोग प्रकाश में आए, जिनके जो सोनू कुमार, दूसरे गौतम कुमार, तीसरा सूर्यकांत और चौथा ऋषु, इन चारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लूट पे लूट होने वाली मोटरसाइकिल बरामद हुई और जो लूटे हुए मोबाइल थे, जिन घटना जिनके साथ हुई थी उनके लूटे हुए मोबाइल बरामद हुए। इसके साथ साथ इनके पास से 7 और मोबाइल जो इन्होंने विभिन्न घटनाओं में चोरी किए थे वो बरामद हुए। उसमें एक बाल अपचारी है। सर, ऐसे में पुलिस के द्वारा जो है किस तरह की कार्रवाई की जाए? अभी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो इनके पास चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं उनको और मुकदमों से कनेक्ट किया जा रहा है और संबंध में रिमांड लेकर उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए चारों आरोपी क्या किसी गैंग से ताल्लुकात रखते हैं या इनका कोई गैंग? इन्होंने मोड़ा बंडीज आपस में इन लोगों ने जोड़ करके रात के समय में स्टेशन रात में या भोर में आने जाने वाले लोगों को इसी तरह से इनके साथ छीन झपट की कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले कितने समय से ये इस वारदात को अंजाम देते इस तरह के वारदात को? अभी तक इन्होंने जितनी घटनाएं बताई हैं इसमें 6 महीने पूर्व पे 6 महीनों से अपनी सक्रियता बताई है, लेकिन अब चीजें इनकी प्रकाश में आई हैं। अन्य स्रोतों से भी इनके रिकॉर्डों को देख दाख के मालूम किया जाएगा कि ये इनकी द्वारा और भी पिछले कितनी घटनाओं में ये लोग शामिल हैं। जांच की जाए।